तो भाई आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो भाई आज हम कुछ अलग करने वाले हैं और देखो भाई क्या मस्त रूम लग रहा है। तो भाई आज हम करने वाले प्रिजन एस्केप, तो देखते हैं चलो कैसे करना है हमें। इसमें पजल्स होंगी और भी काफ़ी कुछ होगा करने के लिए। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन कर लेते हैं और फिर देखते हैं आगे आगे हमें करना क्या है। तो भाई इस छोटे से रूम में हम लोग, और यहाँ पर मुझे कुछ शॉर्ट्स लगी दिख रही है वो भी एक बोर्ड पर। और गाइस यहाँ पर कुछ रूल्स लिखे हैं, रूल्स क्रिएटिव मोड नहीं करना, चीटिंग नहीं करनी। अच्छा नहीं करेंगे भाई चीटिंग, ऐसे मज़ा भी तो नहीं आएगा। गाइस ये है जिनको क्रेडिट देना, और ये है, अबे कैंडल फंस रही है, कैंडल की वजह से मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ। क्या सही लग रही है कैंडल्स। और यहाँ पर गाइस स्टोरी लिखी है, इसको पढ़ते हैं फटाफट। तो गाइस हुआ कुछ ऐसा है कि जो गार्ड है उसका नाम फ्रैंक है, तो उसकी अचानक तबीयत ख़राब होने लगती है और वो अचानक से हमें की दे देता है अब हमारे सेल की, और हमें वहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाता है। एक तो गाइस जो हमारा सेलमेट है उसका नाम ग्रेसन है, और ग्रेसन कहता है उसके पास एक प्लान होता है। तो वो कहता है कि हमें इस जॉम्बी को ट्रैप करना पड़ेगा, मतलब एक सेल में, सेल नंबर 1 में हमें उसे ट्रैप करना पड़ेगा। तो गाइस वही वही अभी हमें करना है। तो गाइस चलो अब फटाफट चल के अपनी गेम स्टार्ट करते हैं। तो इस स्वॉर्ड को मैं ले सकता हूँ तो हेल्प होगी मेरी बहुत ज़्यादा, नहीं ले सकता हूँ तो इस बटन को दबाते हैं और ये आ गया प्रिजन एस्केप में। तो भाई ये है हमारा सेल, और यहाँ पर ये खड़ा है ग्रेसन बगल में, और यहाँ से बाहर देखते हैं वो रहा सामने जोम्बी। भाई वो जोम्बी में बदल चुका है जो फ्रैंक है। तो यही है फ्रैंक और ये रहा ग्रेसन। इसके ये भी कुछ कहना चाहता है, इसका भी सुन लेते हैं। तो भाई ग्रेसन भी वही कह रहा है जो हमें करना है, हमें जोम्बी को ट्रैप करना है सेल नंबर 1 में, और यहाँ पर हमें कुछ सामान मिलेगा, शील्ड मिली है, चलो शील्ड से काफ़ी फ़ायदा होगा। और ये है की फॉर सेल 4, अच्छा की ये सेल नंबर 4 की है, और सेल नंबर 4 तो शायद हमारा ही है। ये मतलब ये हमारे सेल की है और सेल नंबर 1 की भी है हमारे पास। तो अभी हमें जाना पड़ेगा ये सेल नंबर 4 की और 1 की। तो भाई यहाँ पर लगाते हैं सेल नंबर 1। ओके ग्रेसन चलता हूँ मैं, उसको साले को दे के आता हूँ खर्चा पानी। ठीक है ग्रेसन मिलते हैं बाद में, तेरे रैपटे मारूंगा। मेरे को भेज रहा साला, खुद नहीं जा रहा है। किधर गया ज़ॉम्बी वो रहा, आ जा बे, इसको अगर पीछा करवाते हैं। अरे तेरे को चैन नहीं था, बीमार होके ज़ॉम्बी में बदल गया, ये क्या बात हुई भाई। कल ये जो जगह है ना यहाँ पर सारे इनोसेंट हैं। अरे कुछ गलत बोल दिया, नहीं इनोसेंट लोग हैं जिनको इन्होंने पकड़ रखा है, और सबको छुड़वाएंगे तो हम, टेंशन की क्या बात है। आ जा तेरे को बताते हैं साले। और यहाँ पर ग्रेसन ने कहा था यहाँ पर कुछ ज़रूरी सामान हो सकता है तो इसको भी ले लेते हैं। तो साला ये पीछे ही आ गया, पेल देता अभी तो मेरे को। ये है वे शील्ड का इस्तेमाल करते हैं। ओ भाई दिया, फटका दिया भाई, दे मैं बता रहा हूँ साले में पोशन भी लगा हुआ है कुछ। भाई ये गलत बात है भाई, गंदा मार रहा है, ये गंदा मार रहा है, इसको बंद करना, बंद बंद बंद। अरे हो गया साले, अब अंदर ही रहे जिंदगी भर, फंस गया ना वहीं रही हो जिंदगी भर तू, मारेगा साले अंदर ही अगर रैपटे मारूँ। तो भाई अभी देखते हैं हमें कौन सी की मिली है, सेल नंबर 7 की मिली है। तो देखते हैं सेल नंबर 7 कौन सा है, ये वाला कौन सा है। ओ ये वाला भी नहीं है, ये तो अपना ही है, ये 6 है, और ये वाला है, ये वाला है 7। यहाँ पर लगाते हैं इसको, खोलते हैं, अंदर कौन है, जेसन। हाँ भाई इससे भी बात कर लेते हैं। हाँ भाई हाँ मैंने कर दिया। ये गाइस ये कह रहा है कि तुमने जोम्बी को पकड़ लिया। हाँ भाई पकड़ लिया, मज़े आ गए, जोम्बी को पकड़ लिया। और इसका कोई सेलमेट था वो यहाँ पर नहीं, इसके पास गाइस बाथरूम की है, ये कह रहा है, देखो यहाँ पर लिखा है इसके पास बाथरूम की है। तो अभी बाथरूम की लेते हैं और चलते हैं वहीं बाथरूम में, कुछ आया तो नहीं है पर जाना पड़ेगा। तो भाई अभी बाथरूम की मैंने ले लिया, और चल के देखते हैं किस तरफ पड़ेगा बाथरूम, लेफ्ट जाएं राइट जाएं, पहले लेफ्ट चलते हैं, देखते हैं क्या है, क्या है इधर। तो ये क्या है, अबे दिख भी नहीं रहा एकदम से, ये जिम है भाई। ओह ये जिम है, यहाँ जिम देखे भाई कैसी होती है, इधर कैसे बनाई है भाई। शायद शायद भाई इसकी भी की हमें मिल जाएगी तो बाद में आएंगे ज़रूर यहाँ पर। और यही है भाई गाइस बाथरूम, इसको गेट को खोलते हैं और चलते हैं अंदर। और ये कैसा बाथरूम बनाया है भाई, शावर शावर लगा हुआ है, इधर टॉयलेट का इंतज़ाम नहीं है क्या, सिर्फ नहाने का इंतज़ाम है। यार यहाँ पर कुछ दिख तो नहीं रहा है मेरे को, ये क्या फालतू गिरी है भाई, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, पानी के अंदर कुछ नहीं है भाई,
भाई कुछ नहीं है इधर, कुछ तो मतलब कुछ तो रखा होता। खैर बाथरूम में कोई क्या ही रखता है यार। वो ये बैरल रखी, अबे यहाँ बैरल कौन रखता है भाई। एक गोल्ड नगेट मिला बे मेरे को यहाँ से। और ऊपर क्या है बे, ऊपर नहीं जा सकते हैं। नहीं ऊपर बंद रास्ता, नहीं जा सकते, मर जाएंगे खामखा। और यहाँ पर भी कुछ नहीं है भाई। क्या अबे इधर, इधर भी कुछ नहीं है। मुझे लगा बैरल पड़ी है उधर एक। और ये रही, एक और गोल्ड नगेट मिला। कि गोल्ड नगेट क्यों मिल रहे हैं बे इतने। यहाँ पे भी कुछ नहीं है। एक आधी बैरल और मिल जाती, कुछ काम का नहीं मिल रहा भाई। गोल्ड नगेट आगे काम आएंगे, पता नहीं कहाँ काम आएंगे। और एक बुक मिली, ये काम की लग रही है, ये काम की लग रही है भाई साहब। इसको पढ़ते हैं बाद में। लीवर पासवर्ड था, लीवर का कोई पासवर्ड होगा, आगे काम आएगी शायद। लीवर ईवर आएंगे तब पासवर्ड डाल लेंगे। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है यार, कुछ भी नहीं है इधर। पूरा पूरा भाई खोल डालेंगे पूरा, कुछ भी नहीं है इधर। इसको तोड़ भी नहीं सकते हम ब्लॉक को। ऊपर भी कुछ नहीं है। दो तीन 50 100 बार चेक करूंगा भाई, कुछ ना कुछ तो होगा। ऊपर एक बैरल दिख रही है मेरे को, ये रही। इसमें कुछ नहीं है। अच्छा इसको शायद मैंने खोल दिया था पहले ही। यहाँ पे भी कुछ नहीं है। उस तरफ चल के देखते हैं। मैंने लगता कोई ना कोई बैरल मिस कर दिया। कोई नहीं, अभी देखते हैं कहीं ना कहीं मिलेगी दोबारा। यहाँ पे कुछ नहीं है और इधर भी नहीं है। ऊपर ऊपर है एक बैरल, ये रही। ओ यहाँ पर एक और गोल्ड नगेट। यार गोल्ड नगेट का क्या काम है। और ये रिमाइंडर और लीवर पासवर्ड, दो बुक मिली है। एक है रिमाइंडर, एक है लीवर पासवर्ड। इनको पढ़ते हैं बाद में। ये लास्ट, अरे नहीं ये तो चेक कर चुका हूँ मैं शायद। चलो भाई ये तो फालतू गिरी हुई है हमारे। चलते हैं बाहर यहाँ से, इसको कर देते हैं बंद। बाथरूम का गेट खुला नहीं आना चाहिए, बदबू आती है। तो भाई चलते हैं जिम की तरफ अभी यार। लेकिन कुछ काम का तो मिला नहीं, पर मैं करूँगा क्या फालतू चीज़ों से। गोल्ड नगेट लेके कोई मुझे कुछ देगा क्या चाबी अभी। इस तरफ चल के देखते हैं इस तरफ क्या है। इस तरफ क्या है, कैंटीन एंड मेन हॉल। अच्छा भाई ये कैंटीन, ये इधर मेन हॉल है, ये रहा, ये इधर कैंटीन है। अच्छा भाई अंदर कोई है, अंदर कोई है कैंटीन के। यार लेकिन करना क्या है अभी, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को। यहाँ पर चल के देखते हैं, कुछ ना कुछ होगा। जेसन तू बता दे कुछ। यार ये ट्रैप डोर लगे हैं, इनको खोलते हैं। अबे अंदर बैरल, क्योंकि इसमें पक्का कुछ ना कुछ काम का होगा भाई। लीवर, ओ जिम, ओ भाई जिम की थी, तो जिम की मिल गई। अब जिम में जाएंगे भाई, थोड़ा बहुत बनाएंगे बॉडी बॉडी। और गोल्ड नगेट मिल रहा है, एक पेपर मिला, स्केलेटन। स्केलेटन को स्पॉन करा दे क्या, करवा सकते हैं इससे। नहीं मुझे तो नहीं लगता, आगे काम आएगा देखते हैं। सबसे पहले जिम की मिली है, जिम में चलते हैं फटाफट। गाइस ये जो दो बुक मिली है हमें, इनको पढ़ लेते हैं पहले। इनमें क्या क्या है, रिमाइंडर, मेक श्योर यू कलेक्ट ऑल 10 गोल्ड नगेट। ओहो 10 गोल्ड नगेट है जो हमें कलेक्ट करने हैं, और अभी हमारे पास 5 हैं। ठीक है मतलब 5 और ढूंढने हैं अभी हमें। तो कोई नहीं अभी जिम में जा रहे हैं, वहाँ भी मिल जाएंगे थोड़े बहुत, देखते हैं। और ये लीवर पासवर्ड है, अप साइड डाउन, डाउन साइड अप, जो भी है इसको बाद में देखेंगे इसका काम। और गाइस चलो अभी चलते हैं जिम में, देखते हैं कैसी जिम बनाई हुई है इन्होंने। यहाँ लगाना है अपने को ये, और घुस गए अंदर। और ये रही जिम। हाँ भाई गाइस ये जेसन जो, जिससे हम मिले थे सेल नंबर 7 में, उसका सेलमेट है। तो ये भी जोम्बी को ट्रैप करने निकला था, पर इसकी फट गई तो ये भग लिया वहाँ से। तो हाँ भाई ये कह रहा है कि इसके पास की है, ये मतलब है इसके पास की कोई ना कोई। देखते हैं की कौन सी है इसके पास। मेरे ख्याल से तो इसके पास कैंटीन की ही होनी चाहिए। ये कह रहा है मेरे पास कैंटीन की है, पर मैं भूल चुका हूँ रख कर कि कहाँ है। सारे अब ढूंढनी पड़ेगी मेरे को। एंडरमैन का पेपर, बस स्केलेटन का पेपर, एंडर, ओ मिली मिली कैंटीन की मिल गई। चल भाई अब कोई काम नहीं है मेरे को तेरा, अब निकलते हैं यहाँ से बाहर। चलो इसको खुला ही छोड़ देते हैं, क्या ही कर लेंगे ये लोग। फटाफट चलते हैं कैंटीन में, कैंटीन में खाने पीने का माल वाल कुछ होगा। चलो फटाफट देखते हैं। यहाँ से राइट में है कैंटीन, ये रही। इस पे लगाते हैं की
की और खोल के अंदर। ओ भाई क्या बनाए है भाई, कैंटीन क्या गजब कैंटीन में आई है। और ये क्या डैमियन, हाँ भाई डैमियन तू बता क्या हाल चाल तेरे। वैसे मैं इसको नहीं जानता ये कौन है। ये कह रहा है इसकी ना जो भागने का यहाँ यहाँ से रास्ता है वो एक ही है, मेन हॉल से होना, मेन हॉल से जाना। तो मेन हॉल ही है जहाँ से हम भाग सकते हैं। तो गाइस मेन हॉल की यहाँ पर पड़ी है, तो यहाँ पे मेन हॉल की ढूंढते हैं और फिर यहाँ से भागने का जुगाड़ देखते हैं। वहाँ पे एक सर्किट है जो ब्रेक हुआ है, उसको जोड़ने के लिए हमें कुछ ब्लॉक्स चाहिए, 10 ब्लॉक्स। और ये कह रहा है जो गोल्ड नगेट तुम्हें मिले हैं उसी से ब्लॉक्स मिले। यार मेरे पास लेकिन 10 तो मिले नहीं है मेरे को अभी तक, मेरे को पूरे 10 चाहिए होंगे ना। यहाँ से मैं अंदर कैसे जाऊँगा यार, वहाँ पे भी कुछ है। अबे बतावे अंदर कैसे जाऊँ, कुछ तो बता साले, रैपटा मारूँगा यहीं खींच के। अबे बता दे भाई अंदर कैसे जाऊँगा। हाँ हाँ सब पता है मेरे को भाई, तू अंदर जाने का रास्ता बता मेरे को। उधर गेट है भाई, वो खुलेगा कैसे, वो रहा यार। नहीं, ये गेट खुलेगा कैसे यार, यहाँ से कुछ होगा, यहाँ से सी लैंटर, यहाँ यहाँ कुछ नहीं है भाई। ये टेबल एबल हिल जाए, इधर उधर खिसक जा। अरे यहाँ ट्रैप डोर है एक, इसको कह जाओ। ओ वहाँ बटन है, बटन मतलब बटन दबा के क्या मुझे फटाफट जाना पड़ेगा क्या अंदर। ये बटन दबाया और ये खुल गया गेट। ओ सही है भाई, खुल गया गेट, बंद भी नहीं हो रहा है, बढ़िया। अब यहाँ सब कुछ सारी चेस्ट चेक करनी पड़ेगी, एक भी गोल्ड नगेट छूटा। अभी मेरे पास कितने हैं, ये 7-8 हैं, मेरे को 10 चाहिए, एक और मिला। वाह और देखते हैं, सब चेक करेंगे। और ये की मिली है मेरे को, मेन हॉल की मिल गई। अब तो निकलेंगे भैया बाहर, अब तो निकलेंगे यहाँ से बाहर। तो भाई ये चेस्ट में फटाफट चेक करता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे। तो भाई ये सारी चेस्ट मैंने चेक कर लिया और बैरल वैरल जो भी सब यहाँ लगी थी। और यहाँ गाइस यहाँ पर एक सिस्टम लगा है, इसमें क्या लिखा है, वन पुट द गोल्ड नगेट 1 बाय 1। अच्छा एक एक करके गोल्ड नगेट डालना मुझे, और एक गोल्ड नगेट डालेंगे तो एक ब्लॉक मिलेगा। और एक साथ नहीं डालने हैं हमें सारे 10 के 10, एक एक करके डालना है। तो इस हॉपर के अंदर डालते हैं फटाफट, यहाँ पे लिखा है 10 एक साथ नहीं डालने हैं भाई, लफड़ा हो जाएगा 10 एक साथ डाले तो स्कैम हो जाएगा हमारे साथ। एक गया और ये दूसरा गया, फिर तीसरा चौथा, ऐसे साउंड आ रही है एक, मतलब उससे पता चल रहा है कि हाँ हमें मिल रहा है ब्लॉक्स। तो डालते हैं, गोल्ड के ब्लॉक मिलेंगे क्या, क्या दे प्रिजन में कैद फिर भी लालच। ओ आयरन के मिले हैं, आयरन चलो। तो अब चलते हैं गाइस फटाफट मेन हॉल में, वहाँ से देखते हैं क्या रास्ता है अपना भागने का। और ये बंद होगा, अबे नहीं फिरी वैसे मैं ही बंद हूँ, नहीं हुआ। चलो भाई यहाँ से निकलते हैं, इसको बंद नहीं कर सकते, खुला ही रहेगा अभी ये जिंदगी भर। अच्छा डैमियन भाई निकलते हैं अपन, तू यहीं खड़ा रहे। साले गेट खुला है, यानी कि निकल लूँ यहाँ से, खड़ा है उधर ही। और ये डायमंड का ब्लॉक भाई साहब, ओहो यहाँ पर आ गए। अभी इसमें क्या करने का है भाई, यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है अपने को करने के लिए। और ये क्या लिफ्ट है क्या, नहीं यार लिफ्ट नहीं है ये तो। कुछ तो है लेकिन इसका काम, इस जगह का काम कुछ ना कुछ तो पक्का है। और ये लीवर लगे, ओह मेरे ख्याल से वो लीवर पासवर्ड वाली बुक काम आएगी। इधर देखते हैं एक एक करके लाएंगे। ये क्या है, पहले अप डाउन फिर अप करते हैं, ये अप है, ये वाला डाउन फिर अप, ठीक है। आगे का फिर है अप फिर डाउन करते हैं, फिर डाउन, हाँ ठीक है, और फिर अप डाउन, ये लास्ट वाले, ठीक है। खुला, ओ खुला खुला, आवाज़ आई आवाज़ आई, खुल गया वो, देख वो गेट खुल गया भाई, दोबारा दोबारा मज़ा आ रहा है। बंद हो गया, खुल गया, ओ भाई क्या मस्त है। चलो जाइए अंदर चलते हैं, अभी अंदर चल के देखते हैं क्या जुगाड़ है। और बाहर निकल, ओ ये रहा, मेरे ख्याल से इसी सर्किट की वो बात कर रहा था जो कि ब्रेक हुआ हुआ था। यहाँ से ये दबाया, सिग्नल जा नहीं रहा है, जब कहीं मैं ब्लॉक लगाऊंगा तभी जाएगा अब सिग्नल। ओ भाई क्या मस्त सर्किट लग रहे थे, एमरल्ड ब्लॉक लगे हुए हैं। अभी ब्लॉक्स लेते हैं अपने और यहाँ पर लगाते हैं, इसके एमरल्ड ब्लॉक के ऊपर लगेंगे ये। इसको यहाँ पर लगाया, यहाँ पर ऐसे लगाते हैं 10 के 10 फटाफट, जब भी करंट जा पाएगा। और फिर निकलेंगे आराम से बाहर, लग गए सारे। और अब वहाँ से बस लीवर ऑन करना है, ये किया लीवर ऑन,
और ये गया करंट और ये गलवा गेट। वाह मज़ा आ गया, इसको भी एक बार ऑन ऑफ मज़ा आएगा। सिग्नल स्लो जा रहा है, जल्दी जल्दी जाना चाहिए। कितनी देर में, 10 साल में, कल तो पनवेल निकलना है। और यहाँ पर क्वेश्चन आंसर, अच्छा भाई क्वेश्चन आंसर, उधर एक गेट है, यहाँ पर पढ़ते हैं क्या लिखा है। अच्छा यहाँ पर मतलब मुझे 4 पेपर मिलने थे, और स्केलेटन, जॉम्बी, एंडरमैन और क्रीपर के 4 पेपर, अगर मिस हुआ है तो ले। अच्छा भाई मेरे पास 4 हुए हैं, मेरे को जाने की ज़रूरत नहीं है, और इधर पढ़ते हैं। अच्छा एक के बाद एक गेट खुलता रहेगा जब जब हम पेपर डालेंगे। तो भाई चलते हैं अभी आगे, आगे एक गेट है, इसको बंद कर देते हैं, ऐसे मस्त गेट लग रहा है। तो यहाँ से देखते हैं अभी, यहाँ पर आंसर डालना है हमें, और ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट मॉब दैट एक्सप्लोड व्हेन इट इज, अच्छा ये तो क्रीपर ही है, पक्का पक्का वही फटता है साला पास आकर, क्रीपर ही है इसका आंसर। यहाँ पर डालते हैं क्रीपर वाले पर, ये स्केलेटन वाला है, एंडरमैन, क्रीपर, हाँ ये डालते हैं। और सही है अपना जवाब, स्मार्ट है अपन बचपन से। और इसको कुछ पढ़ते हैं, बर्न इन डे लाइट मॉब दैट यूज एरो, एरो भाई एरो तो स्केलेटन ही यूज़ करता है, तो भाई इसका आंसर एरो है। अपीरेंस इज वाइट एंड, हाँ वाइट, वाइट भी स्केलेटन होता है, तो स्केलेटन ही है इसका आंसर 100%। इमीडिएट खुल गया है, स्मार्ट तुम्हारा भाई प्रो। और ये वाला है एबिलिटी दैट हैव एबिलिटी टू कैरी ब्लॉक्स, हाँ ब्लॉक कैरी करता है वो एंडरमैन, एंडरमैन करता है ब्लॉक कैरी, और ऑल्सो प्लेस, प्लेस भी करता है, एंडरमैन ही करता है। अरे ये ज़ॉम्बी है ये, हाँ हाँ ओ है, खुल गया खुल गया खुल गया। ओ भाई लगता है ये लास्ट गेट है भाई, ओ भाई यहाँ से बाहर का रास्ता, एस्केप होने वाला भाई अपना। ये क्या जगह है भाई, ये क्यों बनाई है फालतू में, यहाँ से लफड़ा ना हो जाए कुछ, पता लगे कोई आया, दे रैपटे दे रैपटे दे घंटा चालू, भाई लफड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ से अपन बाहर निकलने वाले, बस अब क्या क्वेश्चन क्या पढ़ना है भाई, आंसर डालो सीधे, लास्ट है भाई। ये खुला गेट और यहाँ से बाहर, भाई सब मजे आ गए। ये क्या बटन लगाएगा, इसको बंद किया, खोल सकते हैं, अभी खोल नहीं सकते। अच्छा सारे पेपर मिलेंगे क्या वापस, एक पेपर मिला कोई, तो यहाँ से चलते। ओ भाई साले मारियो मत, थप्पड़ मारूंगा मैं यहाँ के मुंह पे, मारो उल्टे हाथ का। और अबे रास्ता नहीं है भाई यहाँ से कहीं जाने का, कहाँ जाऊँ मैं, ये बोर्ड लगा है एक नीचे। ओ भाई थोड़ा ये पेड़ के आर पार दिख रहा है कि पूरा जगह है मस्त। और ये कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छा मैंने मैप पार कर दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहा है, वो तो नहीं आ रहा था। हम भी इस बटन को दबाते हैं और ये आ गए इस रूम में, और यहाँ पर करके थैंक्स फॉर प्लेइंग। ओ हो, तो गाइस ये था हमारा प्रिजन एस्केप। तो गाइस आगे भी ऐसी ही वीडियोज हम लाएंगे प्रिजन एस्केप की और भी एडवेंचर्स की। तो अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो अगर पसंद आती है। तो गाइस आप सबसे मिलूंगा मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।